वेट कर रही थी मैं आ जाए। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, तो यहाँ पर जो है मैं किचन में हूँ और लंच की तैयारी में लगी हुई हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं दाल चावल वगैरह के कहकर गए थे, तो बस दाल चावल बना रही हूँ और थोड़ी सी रोटियाँ बनाऊँगी और फिर खाना तैयार कर। ये है कि मुझे अपने और भी काम करने, क्योंकि आज सुबह में जो है ना कपड़े वगैरह भी धुले थे, मतलब कपड़े तो रोज़ ही धुलते हैं, लेकिन आज जो है बेडशीट वगैरह और सोफ़े कवर वगैरह ये सारी चीज़ें धोकर डाल दी थी और पर्दे वगैरह भी धोए थे, तो बहुत सारे कपड़े आज धुले, इसलिए जो है खाने में दाल चावल ही बना लिया। मेरा मन भी नहीं हो रहा था, क्योंकि यही है ना कि थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है इन कामों की, बहुत ही ज़्यादा, तो बस फटाफट से। और फिर बच्चे भी जो है ना दाल चावल ही पसंद करते हैं ज़्यादातर, तो बस दाल चावल बना लूँगी, रोटियाँ बना लूँगी फटाफट से जो है ये सारा काम करने के बाद। फिर मुझे बेडशीट वगैरह भी बिछानी है, क्योंकि अभी बेड वगैरह ऐसे ही पड़े हुए हैं, सफाई हो गई है, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी है सब कुछ हो गया है, लेकिन बस यही है बेडशीट नहीं बिछाई थी, तो मैंने कहा बेडशीट जो है फ्री होकर मैं बिछाऊंगी, तो बना लेती हूँ फटाफट से खाना, उसके बाद जो है बेडशीट वगैरह बिछा दूंगी, क्योंकि चाहे कितनी भी सफाई कर लो घर में, लेकिन जब तक जो है सामान एक सेट नहीं होता है ना, बेडशीट वगैरह नहीं बिछी होती है या सोफ़े पे कवर वगैरह नहीं होते हैं, तो वो अच्छा सा नहीं लगता है, मतलब घर ऐसा लगता है जैसे आज सफाई नहीं हुई है घर में। तो बस फटाफट से कर लूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि अचानक से कोई आ जाए और घर ऐसे ही पड़ा रहे, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो फटाफट से जो है अपने किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो दाल बनकर तैयार हो गई है, चावल भी बन चुके हैं यहाँ पर, बस तड़का लगा रही थी मैं, और तड़का लगाने के बाद जो है रोटी बना दूंगी, तो बस खाना तैयार है। दाल चावल वगैरह बनने में ना टाइम नहीं लगता है, अगर हम कोई सब्जी वगैरह बना रहे हैं या रोटियां बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो दाल चावल जो है अभी बस बना दिए हैं मैंने, क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना है, और बस यही है कि मार्केट जाना है मुझे, इसलिए जो है जल्दी से फटाफट काम इनके आने से पहले ख़त्म कर लूँगी। वैसे तो आज इनकी छुट्टी है, सैटरडे है, लेकिन फिर भी इनको ना कोई काम ज़रूर याद आ जाता है, तो ये घर में ज़्यादा रहते ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तड़का लगा दिया है दाल में मैंने, और चावल भी बनकर हो चुके हैं तैयार, बस रोटियाँ बना देती हूँ फटाफट से, फिर बेडशीट वगैरह बिछा लूँगी, सारा काम जो है इनके आने से पहले ख़त्म कर लेती हूँ। कमरे में आ गई हूँ मैं, किचन का काम हो चुका है ख़त्म, और यहाँ पर जो है बस बेडशीट बिछाऊंगी, तो देखिए कि ऐसे ही पड़ा हुआ है सब कुछ, और जब तक चादर वगैरह नहीं बिछती है ना तब तक ऐसे ही रहता है घर, तो बस यहाँ पर फटाफट से कर लेती हूँ, फिर बच्चे आ जाते हैं ना तो फिर उनके चक्कर में लग जाती हूँ, तो फिर ये काम सारा पड़ा रहेगा शाम तक। तो इन लोगों के आने से पहले मैं ही सारे काम ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि ये लोग आ जाएंगे तो फिर काम और ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब इन लोगों को यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कराना, खाना देना, और इधर में मतलब बच्चे कोई ना कोई काम, मम्मा ये कर दो मम्मा वो कर दो, तो काम और भी निकल आते हैं, तो फिर ये काम पहले मैं ख़त्म कर लेती हूँ। और बच्चे ना कितने भी बड़े हो जाएँ, लेकिन फिर भी ना मम्मा के ऊपर ही रहते हैं कि मम्मा ये कर लो मम्मा वो कर लो। होता है कि हम लोग सोचते हैं कि बच्चे हमारे बड़े हो जाएंगे तो फिर इतना काम नहीं रहेगा, फिर बच्चे अपनी चीज़ें तो कम से कम देखेंगे ही, लेकिन नहीं, बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन वो जो है ना हर बात के लिए मम्मा को ही देखते हैं कि मम्मा ऐसा कर लेंगी, तो फिर मैं भी ज़्यादा नहीं कहती हूँ, मैं कर देती हूँ, मैंने कहा चलो कोई नहीं, पढ़ाई भी है इन लोगों की, फिर ये चीज़ें करेंगे तो फिर पढ़ाई कब करेंगे, तो फिर ये चीज़ें मैं देखती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बेडशीट जो है बिछा दी है मैंने, और अब फटाफट से सोफ़े कवर वगैरह भी लगा देती हूँ। तो बेडशीट बिछ गई है,
और जो है बस इसकी बिछानी है बेडशीट। सोफे की कवर लगानी है तो मैंने अभी ये निकाले हैं, ये वाले सोफे की कवर, वो वाले तो धोए हैं मैंने आज तो वो सूख गए हैं तो उनको तय लगा कर रखती मैं, लेकिन ये वाले निकाले थे मैंने बिछाने के लिए। हैं दोनों एक जैसे, कलर एक जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें शाइन है, इसमें शाइन नहीं है तो, लेकिन अच्छे ये भी लगते हैं बिछने के बाद में। तो बस जो है अब समझ में नहीं आ रहा मेरे, क्योंकि ये वाले मैंने अभी बिछाने के लिए निकाले हैं, लेकिन इनका जो एक कवर है ना वो मुझे मिल नहीं रहा। एक कवर पता नहीं कपड़ों में इधर उधर हो गया है और बस आज तभी थोड़ी ठीक नहीं है, तो मन भी नहीं हुआ कि सारे कपड़े निकाल कर देखूँ, फिर मुझे वापस से लगाने पड़ेंगे। तो फिर अब जो मैंने धोए थे वही वाले कवर जो है सूख गए हैं, वही लगा देती हूँ, क्या करूँ, इसको मैं वापस से रख देती हूँ तय बनाकर, तो इसे रख देती हूँ, क्या करूँ। अच्छे ये भी लगते हैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। ये मैं अलीगढ़ से लेकर आई थी और वो वाले मुरादाबाद से लिए थे मैंने, बस अभी काफ़ी टाइम हो गया है मैंने लिए नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं सोफ़े के कवर चेंज करूँ, सोफ़े के कवर चेंज करने हैं, कुशन कवर चेंज करने हैं और कुछ बेड शीट भी लेनी है, तो सोच रही हूँ मैं। तो मतलब मार्केट जाना नहीं हो पाता, ऑनलाइन मंगाती हूँ तो ऑनलाइन मेरे समझ में चीज़ें बहुत ही कम आती हैं, देखती हूँ मैं किसी दिन मार्केट जाऊँगी तो ये सारी चीज़ें लेकर आऊँगी, तो फटाफट से जो कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी भी बेडशीट बिछा दी है, कुशन लगा दिए हैं, तो अंदर का जो सामान है वो सारा सेट हो गया है। अब चलते हैं बाहर और सोफे वगैरह भी जो है सेट कर देते हैं। तो बस यहाँ पर सारा काम कर लिया है मैंने ख़त्म, और बस एक बार झाड़ू और लगा दूंगी मैं। वैसे मैंने सुबह में झाड़ू और पोछा वगैरह सब कुछ कर दिया है, लेकिन जब इस तरीके के काम करते हैं ना हम लोग, बेडशीट वगैरह कुछ बिछाते हैं, तो फिर घर में ना थोड़ी सी मिट्टी मिट्टी सी हो ही जाती है। तो बस यहाँ पर जो है एक बार झाड़ू और लगा दूंगी, बच्चे भी आने वाले हैं। घर का जो काम है वो ख़त्म कर लिया है, बेडशीट धुली थी सुबह में वो बिछा दी है, और खाना बन गया है, बस बच्चे अभी आए नहीं हैं स्कूल से, दोनों पुडिंग का वेट कर रही थी मैं आ जाए, तो फिर ये है कि खाना वाना खा लें, क्योंकि चावल वगैरह बनाए मैंने थोड़े से ना गर्म गर्म ही अच्छे लगते, तो बना दिए मैंने आज। थोड़ी सी तबीयत मेरी ऐसी हो रही है ना, तो आज बस यही था कि लगी हूँ तो मैंने कहा चलो लगी रहती हूँ, अगर मैं लेट गई ना तो फिर जो है इसलिए जो मैं लगातार जो है काम में लगी हुई थी, तो खाना बन चुका है, बेडशीट वगैरह बिछा दी है, सोफे कवर वगैरह सब आज मैंने दो ये स्कूल की, बच्चे जा रहे हैं, वह सभी स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, तो काफ़ी बच्चे जो है जा रहे हैं, ये अपने डैडी के साथ आएंगे, तो वही है ना कि वो मतलब सामान भी जो मैं मंगाती हूँ वो भी लेते हुए आ जाते हैं, तो ऐसे टाइम लग जाता है उनको, तो अभी आए नहीं है, आने ही वाले हैं, तो चलिए देखती हूँ बच्चों का, वेट करती हूँ उसके बाद।
बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, उन्हें मैंने खाना वगैरह सब कुछ दे दिया है। उसके बाद जो है बच्चे मांग रहे थे आइसक्रीम। वैसे मैंने दो जगह आइसक्रीम मतलब जमाई थी, दो कंटेनर में, लेकिन एक जो है मिष्टी अभी ने कर दी है ख़त्म। और बस वही है कि बच्चों को नहीं वेट होता है, तो उन्होंने कल ही उसे ख़त्म कर दिया था। थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने भी खा ली थी, जब वो खा रहे थे तो फिर हम लोगों ने भी थोड़ी थोड़ी खा ली। तो यहाँ पर ये एक ही बचा था। मैं चलो आपको इसका लास्ट तो दिखा देती हूँ। इससे पहले मैंने जो व्लॉग डाला है उसमें इसकी रेसिपी है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप उस व्लॉग को जाकर देख सकते हैं जो बर्थडे स्पेशल है। तो देखिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी सी ये आइसक्रीम जमकर तैयार हुई थी, बिल्कुल मार्केट जैसी। बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर था, वैनिला कस्टर्ड फ्लेवर, जो सभी को ज़्यादातर पसंद होता है। तो यहाँ पर ये आइसक्रीम बच्चों को दे दूँगी और उसके बाद जो है हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो देखिए कितनी टेस्टी सी लग रही है देखने में, बहुत ही क्रीमी सी और बहुत ही टेस्टी सी ये बनकर तैयार हुई है। खाकर बस थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद अपना होमवर्क वगैरह करते हैं बच्चे। तो मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि जो पायल मेरे लिए लेकर आए थे ना ये, तो वो थोड़ी सी ना मेरे पैर में चुभ रही है, तो मैं चेंज करने की बोल रही हूँ। तो ये बोल रहे हैं चलो साथ में, और वहीं पर जो है चेक कर लेना, अपने देख लेना पहन कर, और मतलब पसंद कर लेना। तो मैं चलो, तो फिर मैं इनके साथ जा रही हूँ, क्योंकि आज इनकी छुट्टी है, सैटरडे है, दो सैटरडे में जो है छुट्टी रहती है इनकी। तो हम लोग मार्केट आ चुके हैं और पायल चेंज कर लूंगी मैं। तो बस यहाँ पर कुछ पायल इन्होंने दिखाई थी, बहुत ही अच्छी अच्छी पायल थी इनके पास। चेंज कर दी मैंने, मुझे ये पसंद आई थी, तो मैं वैसे वो भी अच्छी लग रही थी, ये लेकर आए थे तो बहुत प्यारी लग रही थी वो, लेकिन वो ना थोड़ा सा मेरे पैर में चुभ रही थी। तो मैंने कहा चलो चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है जल्दी जल्दी नहीं मतलब चेंज होती हैं, तो फिर इसलिए मैं चेंज कर ले आई हूँ। बहुत प्यारी सी है ये भी, तो मैं आपको दिखाती हूँ, कैसे मैं दिखा देती हूँ आपको। थोड़ा सा यहाँ पर ना अंधेरा आता है, ये देखिए का डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है, मतलब वैसे ही जैसे ये लेकर आए थे ना उस टाइप में ही है, लेकिन थोड़ा सा ना इसमें मतलब इस तरीके से घुंघरू है, वो बीच में ही डिज़ाइन था, लेकिन ये वाली जो है मतलब इस तरह है। तो ये भी बहुत सुंदर लग रही थी, तो देखिए इस तरीके से इसमें नग लगे हुए हैं। कर फ्री हो चुकी हूँ, डिनर तैयार कर दिया है, अब इन लोगों को खाना है बस। अभी को दे दिया है खाना, मिष्टी रह गई है अभी खाना खाने के लिए, तो मिष्टी ना अपना मतलब होमवर्क कर रही है, तो इसलिए अभी उसने खाना नहीं खाया। वैसे सबसे पहले वही खाती है घर में, लेकिन उसने नहीं खाया है अभी, और बस थोड़ा सा अपना काम कर रही थी, तो अभी मना कर दिया इसने, अभी को दे दिया है मैंने खाना।
खाने में आज जो है हम लोगों ने बनाया है घुइया की सब्जी बनाई है, जो जीरे वाली बनती है ना सूखी वाली, वो बनाई है। दाल है, रायता है, चावल हैं और रोटियां हैं। तो ये बनाया है आज डिनर। तो बस बीच में आप लोगों को सिखाया नहीं, मार्केट से आई थी, उसके बाद जो है बस घर के कामों में लग गई, ब्लॉगिंग में ही की थी। तो मैंने चलो ब्लॉग का एंड भी करना था, तो इसलिए मैं चलो ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। तो देखिए खाना जो है आज क्या क्या बनाया है मैंने, मैं आपको दिखाती हूँ। अब खाना वाना खाऊंगी, थोड़ा सा बर्तन वगैरह है वो देखूंगी, सारे काम सेट करने हैं, जो भी सामान सेट करना है वो करना है। अभी ये भी नहीं आया, मैं सोच रही हूँ ये भी आ जाए तो फिर हम लोग सब साथ में खाना खा लें। अभी को दे दिया है मैंने खाना, क्योंकि वो कह रहा था कि मुझे दे दो, मैंने कहा कोई बात नहीं तुम खा लो, भूख लगी है। बच्चों को तो मैं दे देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मिष्टी को भी बोला था, लेकिन मिष्टी जो है वो पढ़ाई कर रही है, तो फिर वो भी कह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ ही खाऊंगी। मिष्टी तो बस बच्चों की पढ़ाई इस टाइम इतनी ज़्यादा हो रही है, बस बच्चे परेशान हैं। वो ट्यूशन से आए हैं उसी टाइम से लगे हुए थे, अभी भी लगा हुआ था, अभी ने अपना वर्क कर लिया है, तो वो खाना खाने के लिए बैठ गया था। इसने नहीं किया था, ये बोली मैं कर लूँ तब। तो चलिए फ्रेंड, इस ब्लॉग का जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आपसे मिलती हूँ एक और अच्छे से नए ब्लॉग में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर कर दिया करें और एक कमेंट कर दिया करें। ठीक है, बाय बाय।